आइसक्रीम खाना किसे नहीं पसंद, वो भी अगर चॉकोबार मिल जाए तो क्या बात है। बच्चों की सबसे फेवरेट होती है चॉकोबार आइसक्रीम। तो आज हम बनाने वाले हैं चॉकोबार आइसक्रीम, जो होगी मार्केट से बहुत ही बेहतर और हेल्दी। तो शुरू करें वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल श्रद्धाज हेल्थ अफेयर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम बनाने वाले हैं चॉकोबार आइसक्रीम, जो बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही हेल्दी है, और आप एक बार बना लेंगे तो मार्केट से लाना भूल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो बिल्कुल मार्केट जैसी आइसक्रीम बनाने के लिए जो मैं टिप्स और ट्रिक्स दे रही हूँ वो प्लीज़ फॉलो करिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है सबसे पहले आधा लीटर फुल फैट मिल्क। तो ये जो दूध हमने लिया है, मैंने यहाँ पे अमूल गोल्ड यूज़ किया है, आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं पर वो फुल फैट होना चाहिए। यहाँ पे आपको उबला हुआ यानी बॉयल किया हुआ दूध नहीं यूज़ करना है, या फ्रिज में रखा हुआ दूध नहीं यूज़ करना है, कच्चा ही यूज़ में लाना है। तो ये हाफ लीटर है, कप में नापूँ तो ये 240 ml के मैंने लगभग 2.25 कप लिए हैं। इसके बाद मैंने डाला हाफ कप चीनी, हाफ कप मिल्क पाउडर, और साथ में 2 tablespoons डाला मैंने कॉर्नफ्लावर या अरारोट, जो भी आपके पास हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस आइसक्रीम में मैं कंडेंस मिल्क नहीं यूज़ कर रही हूँ। इस मिक्सचर को हमें पहले बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये देखिए बिल्कुल इसमें गांठे वगैरह कुछ ना रहे, तब मैंने इसे गैस पे रखा और गैस पे इसको लगातार चलाते हुए मैं इसको बॉईल करूँगी। इसे हम चलाते रहेंगे जब तक इसमें बॉईल ना आए। यहाँ पे ध्यान रखना है गैस मीडियम रहे और इसे हमें छोड़ना बिल्कुल नहीं है, चलाते रहना है। अदरवाइज़ अगर ये ज़रा भी नीचे तली में लग गया तो पूरा आइसक्रीम का बेस आपका ख़राब हो जाएगा। इसमें गांठे नहीं पड़नी चाहिए, इसीलिए इसको चलाना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए बॉईल आ गया है। अब मैंने गैस को थोड़ा सा मीडियम से लो की तरफ कर दिया है और इसे हम 1 मिनट और पकाएंगे। बॉईल आने के बाद सिर्फ 1 मिनट हम पकाएंगे और 1 मिनट बाद आप देखेंगे कि ये इस तरह से थोड़ा सा थिक हो जाएगा और फिर हम गैस इसकी बंद कर देंगे। पर ध्यान ये रखना है गैस बंद करने के बाद भी हम इसे लगातार चलाते हुए ही इसे ठंडा करेंगे। तो ये देखिए काफ़ी ठंडा हो चुका है, लगभग 5 मिनट हुए हैं, और इसे हमें पूरा रूम टेम्परेचर पे लाना है। और आप दूध देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है, इस तरह से चम्मच के पीछे लेयर आ रही है। और इसी तरह से देखिए मैंने इसे चलाते हुए पूरी तरह से ठंडा किया है, इसके ऊपर मलाई नहीं आनी चाहिए। तो अब हम एक हमारा पार्ट तैयार हो गया है। अब हम दूसरे पार्ट के लिए हमने क्या किया है, एक बोल में मैंने 2 कप भर के ये ली है व्हिपिंग क्रीम। जो ये व्हिपिंग क्रीम है ये नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम है, वही क्रीम है जो हम केक या पेस्ट्रीज में यूज़ करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है क्रीम हमारी बिल्कुल चिल्ड होनी चाहिए। हम जो क्रीम को फ्रीज़र में रखते हैं जब आपको यूज़ करना हो तो उसे 3 घंटे पहले आप फ्रिज में रख दें, ताकि उसमें जो भी आइस क्रिस्टल हों वो पिघल जाएँ। अगर यहाँ पर क्रीम बीट करते समय आइस क्रिस्टल हुए तो आपकी आइसक्रीम में भी बर्फ यानी आइस क्रिस्टल आ जाएंगे। तो इस तरह से मैंने देखिए इस अपने बीटर से इसको 2 से 3 मिनट हाई स्पीड पर ब्लेंड किया है और इस तरह से व्हिप करने के बाद ये अपनी क्वांटिटी में डबल हो जाएगी। फ्रेंड्स, जितनी क्वांटिटी मैंने आज आपको दी है इससे आपकी 2 लीटर के आसपास आइसक्रीम तैयार होगी। जी हाँ, 2 ब्रिक जो आप मार्केट से लाते हैं 1 लीटर का ब्रिक, वो 2 लीटर का ब्रिक तैयार होगा अगर आप इसको सेम रेशियो से बनाएंगे। तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी से इसी मेजरमेंट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए क्रीम हमारी बीट हो चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर। इसे मैंने टोटल 3 मिनट बीट किया है और ये देखिए ये इस तरह से क्रीमी हो गई है और ये अपनी क्वांटिटी में डबल हो गई है। दूसरा, इसमें जो पीक हैं देखिए वो स्टिफ नहीं बन रहे, यानी सॉफ्ट पीक बन रहे हैं। हम उठाते हैं तो वो वापस नीचे मुड़ जाते हैं, ये देखिए। तो इस बात का आप ध्यान रखें, इसको बिल्कुल स्टिफ पीक नहीं, सॉफ्ट पीक तक आपको बीट करना है। अब जो हमने बेस बना के रखा था, एक स्ट्रेनर से मैंने उसको छान के इस क्रीम में मिला दिया है। जो बेस है वो पूरी तरह से रूम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। और देखिए बिल्कुल भी लम्स नहीं आए थे, फिर भी मैंने इसको छान के डालना प्रेफर करती हूँ। और ये देखिए इस तरह से अब हम इसको हल्के हाथों से इसमें फोल्ड कर लेंगे, बहुत हल्के हाथों से। देखिए मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और ये देखिए हमारा बेस पूरा बनके तैयार हो गया है। ये जो मेरा बोल है ये मेरा 2.5 लीटर का बोल है और आप देखिए पूरा ऊपर तक भर चुका है ये।
और इस तरह से हमारा बहुत ही क्रीमी और स्मूथ बैटर तैयार हो चुका है। आइसक्रीम का ये बेस है। अब इसमें मैं वनीला आइसक्रीम तैयार कर रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो मैं इसे एक बड़े बोल में कर लूँगी क्योंकि ये ऊपर तक भर गया था। अब इसमें मैं डाल रही हूँ वनीला एसेंस लगभग हाफ टी स्पून, और इसको बहुत अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए वनीला बेस हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसको हमें फ्रीज़र में रख के जमाना है, तो जमाने के लिए देखिए कई सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पर आपके पास कोई एयरटाइट कंटेनर हो तो आप उस कंटेनर में इसको जमा सकते हैं। आपके पास आइसक्रीम मोल्ड्स हैं तो आप उसमें कर सकते हैं, नहीं है तो आप कटोरी या ग्लास किसी में भी इसको जमा सकते हैं। पर ध्यान रखना है कि जैसे इस तरह का कंटेनर है और एयरटाइट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसमें अपना बेस डालें और ऊपर की जो इसकी सरफेस है यानी ऊपर इसमें ढक्कन लगाने से पहले आप इसमें एक एल्युमिनियम फॉइल से इसको कवर कर दें और उसके बाद इसका लिड लगाएं। तो इस तरह से अगर आप जमाएंगे तो आपकी आइसक्रीम में बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स नहीं आएंगे और बहुत ही क्रीमी और स्मूथ आपकी आइसक्रीम तैयार होगी। तो इस तरह के कंटेनर में, स्टील के कटोरी में, ग्लास में, जिसमें भी आप जमाएं, ऊपर से एल्युमिनियम की फॉइल लगा दें। अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से करना है। तो देखिए मुझे सबसे ईजी लगता है ये डिस्पोजेबल ग्लासेस यूज़ करना जो हम कॉफ़ी चाय में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं इसमें फिल कर रही हूँ अपने मिक्सचर को, और इसमें इस तरह से पूरी तरह से फिल कर देंगे ऊपर तक। और ये बच्चों के लिए बहुत हैंडी हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है उन लोग को इस तरह से लॉलीज की फॉर्म में खाना। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सारा मिक्सचर भर लिया है। अब मैंने लिया है ये एल्युमिनियम फॉइल। ये प्रोसीजर आपको, आप कोई भी कंटेनर यूज़ करो, उसमें इस तरह से आप इस तरह से उसको ऊपर से कवर कर दो। और कवर करने के बाद देखिए मैं इसको लॉलीज की तरह बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने एक नाइफ से इसमें बीच में इस तरह से हल्का सा होल किया और इसमें मैं डालूँगी आइसक्रीम स्टिक। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो अपने मनपसंद किसी भी मोल्ड में इसको फ्रीज कर सकते हैं। तो इस तरह से सारे मैंने तैयार कर लिए हैं और इसको रात भर के लिए मैं फ्रीज़र में रखूंगी। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि फ्रीज़र में अगर आप ओवरनाइट नहीं रख रहे हैं तो कम से कम 6 से 8 घंटे आपको इसे फ्रीज़र में रखना है। बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल नहीं आएंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पर आप जब फ्रीज़र में इसे रखें तो फ्रीज़र को आप बिल्कुल हाई मोड पे रखें। तो फ्रीज़र में मैंने आइसक्रीम रख दी है। अब मैं आपको चॉकलेट की तैयारी दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है कि मिल्क कंपाउंड चॉकलेट, मॉडे का मिल्क कंपाउंड लिया है। पर आप अगर मार्केट जैसी चाहते हैं तो आप कोशिश करें आप डार्क चॉकलेट यूज़ करें, थोड़ा सा कलर में फ़र्क आएगा। तो यहाँ पे ये मेरे पास सिर्फ 50 ग्राम से फ्रेंड्स, लॉकडाउन की वजह से मैं मार्केट से नहीं ला पाई हूँ, पर आप कम से कम 100 ग्राम चॉकलेट ज़रूर यूज़ करें। इसे मैंने माइक्रोवेव किया है 30 सेकेंड, एक बार उसे चलाया और वापस से 10 सेकेंड और कर दिया। इसे सिंपल माइक्रोवेव किया है मैंने 40 सेकेंड, और ये देखिए ये इस तरह से मेल्ट होकर तैयार हो गई है। क्योंकि मेरी चॉकलेट बहुत कम है, 50 ग्राम्स है, तो मैंने यहाँ पर इस तरह से एक छोटे कप में किया है। पर जब आप करें तो आप 100 ग्राम्स एक थोड़े से बड़े ग्लास में करें। अब देखिए आइसक्रीम को मैंने यहाँ रात भर जब फ्रीज़र में रखा था तो ये देखिए बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेट हो चुकी है, आइस क्रिस्टल्स बिल्कुल नहीं है, और कितनी क्रीमी और स्मूथ है ये मैं आपको अभी इसे अनमोल्ड करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए इसे निकालने का तरीका, ये बहुत इजी लगता है, बहुत कन्वीनियंट है, इसीलिए मैं ज़्यादातर डिस्पोजेबल ग्लासेस में ही आइसक्रीम्स बनाती हूँ। ये देखिए इस तरह से इसे कट करके आप इजीली इसमें से रिमूव कर सकते हैं। तो ये देखिए ये बेस जो हमारा था वनीला आइसक्रीम का, ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है। कितनी क्रीमी और स्मूथ आइसक्रीम बनी है फ्रेंड्स, आप देखिए। अब इसे हमें डिप करना है चॉकलेट में। तो देखिए जो चॉकलेट हमने मेल्ट की थी उसे मैंने थोड़ा सा चला लिया है अच्छे से, थोड़ा टेम्पर कर लिया है, इससे इसमें शाइनिंग भी आ गई है और थोड़ी सी ये ठंडी हो गई है। अब जो आइसक्रीम हमने अनमोल्ड की है वो हम इस चॉकलेट में डिप करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं फिर से कहना चाहूँगी, मेरी चॉकलेट थोड़ी कम है तो मुझे इस तरह से करना पड़ रहा है, पर आप जब 100 ग्राम्स करेंगे ना तो आप पूरी चॉकलेट में उसको अच्छे से डिप करेंगे, वो पूरी आइसक्रीम आपकी उसमें चली जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लिया है एक आइस पैक, और जो मैंने आइसक्रीम डिप की थी उसके ऊपर तुरंत मैंने रख दिया है। ऐसा करने से चॉकलेट अपनी जगह पर तुरंत ही सेट हो जाती है।
ये देखिए रखते ही बिल्कुल सेट हो गई है। अगर आपके पास आइस पैक नहीं है तो आप एक प्लेट में कुछ आइस क्यूब्स रख लें और उसके ऊपर अपनी आइसक्रीम इस तरह से रखते जाएं। और ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी चॉकलेट कम थी तो अंदर से जो वनीला आइसक्रीम का शेड आ रहा है तो बिल्कुल मार्बल इफ़ेक्ट बना है मेरी आइसक्रीम में और अपने आप ही एक नेचुरल इफ़ेक्ट आ गया है इसमें, तो बनी बहुत टेस्टी है। थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से मेरे पास चॉकलेट की कमी हो गई, पर जब आप बनाइएगा तो आप थोड़ा चॉकलेट अच्छे से मेल्ट करिएगा। 100 to 120 ग्राम्स चॉकलेट लीजिएगा और उसको जब मेल्ट करेंगे आप तो ग्लास में करके और फिर उसको आप डिप करिए, तो आपकी जो ऊपर की लेयर आएगी वो पूरी स्मूद आएगी। पर टेस्ट वाइज ये बहुत क्लासिक बनी है, आप ट्राई ज़रूर करिए, आपको ये रेसिपी बहुत अमेजिंग लगेगी। सच में दोस्तों, मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद आई है, तो क्यों ना आप भी एक बार ट्राई करें। आप जब ट्राई करेंगे तो आप मार्केट से लाना भूल जाएंगे, जैसा कि मैंने कहा कि ये मैं प्रॉमिस कर रही हूँ आपसे, आप ट्राई करिए, बिल्कुल बहुत ही अच्छी आइसक्रीम बनेगी। तो आई होप आपको मेरी दी हुई रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।